सबका कर्तव्य है। इसी संदेश के साथ हास्य प्रधान एकांकी प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के छात्र, भ्रष्टाचार पर देव दुविधा। चमत्कार प्रभु चमत्कार। अरे कैसा चमत्कार यमराज, किस प्रकार का चमत्कार, जरा विस्तार से बताइए। प्रभु पृथ्वी लोक पर नेता लोग पैसे खाते हैं, पैसे। क्या नेता और पैसे? हाँ प्रभु, पृथ्वी लोक पर एक नेता का प्राण हरण करने गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर हर अफसर हर नेता सभी लोग पैसों का भोजन करते हैं, पैसों का भोजन। चमत्कार प्रभु चमत्कार। अरे देवी कैसा चमत्कार, क्या आपके भी पैसे नेता लोग खा गए क्या? आपको कैसे पता चला यमराज? बंद करो यह नाटक, भला एक नेता पैसे कैसे खा सकता है, वह तो जनता की सेवा के लिए बना है ना। बिना सोचे समझे तुम दोनों किसी को दोष नहीं दे सकते, समझे? क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। मुझे कल ही व्हाट्सएप में मैसेज आया था, इसमें ये सब कुछ बताया गया था। वाह मॉडर्न यमदेव वाह, आप कब से व्हाट्सएप यूज करने लगे? प्रभु मैं कुछ दिनों के पहले किसी जियो वाले का प्राण हरण करने गया था, तो उसने अपने जीवन दान के बदले जियो का फोन दे दिया, तब से मैं व्हाट्सएप यूज करने लगा। वैसे व्हाट्सएप पे लिखी हर बात सत्य नहीं होती, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा प्रभु जैसे आपकी इच्छा, मैं आपको अभी भूलोक ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है मेरे देव? अगर तुम यह साबित नहीं कर पाए कि तो नेता पैसे खाते हैं, तो तुम्हें कठिन दंड दिया जाएगा। ओके मेरे ओके। अरे देवी यह क्या है? अरे इंद्रदेव यह तो वही स्थान है जहाँ पर नेता लोग बैठ के पैसे खाते हैं और डकार मारते हैं स्विस बैंक में। अच्छा यमराज इधर आइए। ये लीजिए पैसे और हमें साबित करके दिखाइए कि नेता पैसे खाते हैं। Why this corruption, why? अरे पैसे अभी तक तो यही है। नाटक बंद करो, नेता पैसे नहीं खाते। नारायण नारायण। अरे यमराज इतने व्याकुल क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताओ नारायण जी, ये नेता लोग है कि पैसे खाते हैं, इंद्रदेव है कि मानते ही नहीं, आप ही समस्या का समाधान कीजिए। डोंट वरी यमराज। अरे यमराज ये पृथ्वी लोक पर ना अंग्रेजी बड़ी चल रही है, हर कोई देखो अंग्रेजी बोलता है, यहाँ तक कि नारद जी भी। ठीक है मैं अभी अपने सास को फोन कर पूछता हूँ। अरे नारद जी क्या हुआ? लगता है नेटवर्क नहीं लग रहा देवी। जियो इसकी जी जियो। अरे नहीं यमराज, BSNL इज बेस्ट फॉर एवरी टाइम। बुढ़िया फोन ही नहीं उठा रही। हेलो सासू माम। हाँ हमने सुना है कि भूलोक पर नेता लोग पैसे खाते हैं, क्या ये बात सच है? पर हमारे पैसे नहीं खाए,
हमने तो पैसे उनके मुंह में डाले थे। क्या कवर में डालकर देना पड़ेगा? क्या कवर में डाल के देना पड़ेगा? कैसे भी करके देख लो, नहीं होगा। Why this corruption, 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 why? Why this corruption, 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 why? अरे पैसे अभी तक तो ये नहीं है। अरे कोई ढंग का प्रूफ लेकर आइए ना, हमें भी तो बहुत काम होता है, हमें भी देवताओं की पार्लियामेंट की बैठक के लिए जाना है। क्षमा कीजिए प्रभु। अरे यमराज, क्या हमारी बात सिद्ध करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। हाँ प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा था कि नेता लोग टेबल के नीचे से पैसे लेते। क्या टेबल के नीचे से? हाँ टेबल के नीचे से। नारायण नारायण। Why this corruption, 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 why? Why this corruption, 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 why? Why? अरे पैसे अभी तक तो यही है। सुनिए प्रभु, सुनिए प्रभु, आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो? आपको इतना भी पता नहीं कि भारत में पुराने नोट का लेना बंद हो चुका है। अभी रिश्वत के लिए भी आपको नए नोट ही देने पड़ेंगे। अरे हाँ यमराज, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने परसों ही लाइन में लगकर पुराने नोटों को बदलवा कर नए नोट लाए थे। हे मनुष्य, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो यमपुरी में देखा था। सॉरी सर, मेरा केस था अभी चित्रगुप्त के पास पेंडिंग था, तो मैंने सोचा जरा धरती का सैर कराऊं। इसलिए आपका विकल्प मेल बफेलो की पूंछ पकड़कर आपके पीछे पीछे आ गया। अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले काम की बात करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। आइडिया, एन आइडिया की चेंज योर लाइफ। बोला तो सही। अरे किसी बैंक मैनेजर के पास जाओ और कमीशन देकर करेंसी एक्सचेंज करा लो। अब हमें बैंक मैनेजर कहाँ मिलेगा? हे देवर्षि नारद, आपके पास नए नोट है ना, इसलिए आप हमें थोड़ा सा लोन दे दीजिए। अवश्य दूंगा यमराज अवश्य, लेकिन 5% इंटरेस्ट लगेगा। दीजिए नारद जी, दीजिए। कर लो आखिरी प्रयास। Why this corruption, corruption, corruption? Why this corruption, corruption, corruption? Why? Why? अरे पैसे तो नेता लोग खा गए। अरे यह कैसे संभव हो सकता है? असंभव संभव कैसे हो सकता है? देखा इंद्रदेव, हमने आपसे कहा था ना कि नेता लोग पैसे खाते हैं। अरे यह तो बहुत मुश्किल काम है, अब इसका समाधान कौन देगा? इसका समाधान तो सिर्फ देवों के देव महादेव के पास ही होगा। हम सबको महादेव की आराधना करनी चाहिए। कल्याण हो प्रभु। हमारी समस्या का समाधान दीजिए प्रभु। कैसी समस्या इंद्रदेव? प्रभु पृथ्वी लोक पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है प्रभु। हे इंद्रदेव, भ्रष्टाचार तो पृथ्वी पर हवा और पानी की तरह फैल चुका। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। जैसे सूर्य उदय होना नहीं भूल सकता, नदी कभी बहना नहीं भूल सकती, समुद्र की लहरें कभी उछलना नहीं भूल सकती, ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार का रोग पृथ्वी पर वायु की तरह लोगों के रग रग में बस चुका। और इसी कारण पृथ्वी लोक पर हर वस्तु का मूल्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
जिस चीज को प्रकृति अपने हाथों से निर्मित करती है उस चीज को भी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर देते हैं। तो इसका कोई उपाय नहीं? उपाय है इंद्रदेव, उपाय है। यदि हर मनुष्य अपने आप को सुधारने की कोशिश करे और अपना राष्ट्र का मान रखे तो भ्रष्टाचार के जैसे बड़े रोग भी छोटा हो जाएगा। और एक राज्य को सफल होने के लिए केवल राजा को ही नहीं बल्कि प्रजा का भी योगदान जरूरी होता है। उसी प्रकार भ्रष्टाचार जैसे रोग को मिटाने के लिए इन नेताओं को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को भी सुधार। नारायण नारायण, क्या खूब कही है प्रभु ने, है ना इंद्रदेव? आदमी को और क्या चाहिए, बस किसी के दिल से दुआ चाहिए। भ्रष्टाचार, बीमारी, तकलीफ वगैरह प्रभु की देन ही, यह तो मनुष्य की ही देन है। इसका समाधान तो मनुष्य को आपसी सूझबूझ और सहमति से खोजना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।